काजमी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राज्य में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, ऐसे में चुनावी नेताओं से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं थम रहे हैं। इसी बीच पूरे चुनाव में रोजगार का मुद्दा उठाने वाले और महागठबंधन की ओर से विपक्ष के दावेदार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो ऐसा क्या कहा तेजस्वी यादव ने जिससे बढ़ेगी नीतीश कुमार की मुसीबत, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अब सभी पार्टियों के नेता दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए जोर लगा रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार की दो पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर दिया है और वो खुद भी इस बात को मानते हैं, इसलिए और मुद्दों पर बात नहीं करते। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय नीतीश जी मानते हैं कि उन्होंने बिहार में 15 साल के शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग चौपट करने के साथ दो पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर दिया है, इसलिए वो बेरोजगारी, नौकरी, कारखाने, निवेश और पलायन पर कभी कुछ नहीं बोलते। क्या उन्हें इन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए? बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश पर राज्य में बेरोजगारी, नौकरी, कारखाने, निवेश की कमी और पलायन को लेकर हमला बोल रहे हैं। आरजेडी इन्हीं मुद्दों पर चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, साथ ही राज्य में कारखाने लगाए जाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा बिहार की सियासत में नीतीश और तेजस्वी की जुबानी जंग कहां जाकर रुकती है और राज्य के चुनावी नतीजों में कौन बाजी मारता है। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।